मैं तो पूर्वांचल का व्यक्ति था, बराबर इनका नाम, इनके विद्यालय का नाम, महाविद्यालय का नाम सुना करता था। लेकिन 10 वर्षों से संत तुलसीदास पीजी कॉलेज में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर श्रवण मिश्रा जी सरई सरई आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं। हम अपनी तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और अभी मैंने कहा है कि क्षेत्र के लिए निश्चित रूप से एक माइलस्टोन है आप, और आपका अनुदान वरदान है। जो बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, अब वो आपके यहाँ मेडिकल की भी परीक्षा, मेडिकल की भी शिक्षा ले सकते हैं। इसके लिए प्रभु जी को पुनः पुनः साधुवाद। और जो लोग इनके सहयोगी हैं, निश्चित है कि वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। और एकाध बार मैं इनके महाविद्यालय में गया जो हूँ, इनकी कुछ फैकल्टी के लोग हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, जैसे बीए डिपार्टमेंट पर, तो उनके माध्यम से मैं जाया करता हूँ। और आज बड़ा सौभाग्य हुआ कि ऐसे लोगों के साथ बैठने का मुझे मौका मिला। कुछ भी कहने के पहले मैं अनुरोध करूँगा, वैसे यहाँ के अभिभावक, सारे शिक्षक सब बधाई के पात्र हैं, और कुछ प्रतिनिधियों को मैं अपनी तरफ से उनका माल्यार्पण करना चाहता हूँ। आशा है कि वो स्वीकार करेंगे। सर्वप्रथम डॉक्टर राम शिरोमणि मिश्र, अध्यक्ष श्री राम इंटर कॉलेज बखरा जलालपुर, आप आए। और ये सारे सभी शिक्षकों के लिए भी है, क्योंकि सबको बुलाना थोड़ा सा दुरूह कार्य है। डॉक्टर राम शिरोमणि मिश्र, इसके बाद किसी भी विद्यालय महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र मजबूत होना चाहिए। निश्चित रूप से प्रबंध तंत्र, यहाँ मैं प्रारंभ में ही विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन मुझसे करवाया गया। मैं डरता था कहीं ऐसा ना हो कि फ्लॉप कर जाए, लेकिन माननीय प्रबंधक जी के प्रयास से ये उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। और हम पुनः प्रबंधक श्री इंद्रवर मिश्र जी को स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ, आग्रह करता हूँ। श्री इंद्रवर मिश्र जी, किसी भी विद्यालय और महाविद्यालय के उत्थान और पतन दोनों की जिम्मेदारी वहाँ के शिक्षक और वहाँ के प्रधानाचार्य की होती है। अगर प्रधानाचार्य निश्चित रूप से कुशल है तो विद्यालय उत्तरोत्तर व्यक्त करेगा, उत्तरोत्तर उसका उत्थान होगा। और अगर कहीं महाविद्यालय या विद्यालय का प्रधानाचार्य थोड़ा सा निष्क्रिय हुआ तो निश्चित रूप से उसकी औनत हो जाती है, क्योंकि श्री इंद्र मिश्र जी ने, डॉक्टर राम शिरोमणि मिश्र ने एक अच्छे प्रधानाचार्य को आपके यहाँ अपॉइंट किया है। हम निवेदन करते हैं कि प्रधानाचार्य जी हमें और अपना और अपने समस्त सहयोगियों का एक प्रतिनिधि के रूप में सम्मान प्राप्त करें। प्रधानाचार्य श्री हम निवेदन करेंगे कि आप लोग आए। एक एसआर इंटर कॉलेज के भी हैं, वर्मा जी हैं संभवता। किसी भी
विद्यालय किसी भी विद्यार्थी के तीन स्तंभ होते हैं, जिसमें प्रथम स्तंभ के रूप में हमेशा मैं मानता हूँ अभिभावक होता है, दूसरा शिक्षक होता है, तीसरा विद्यार्थी स्वयं होता है। यहाँ के सारे अभिभावकों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बीच के लॉकडाउन को छोड़ करके बराबर यहाँ विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ करता था और यहाँ के अभिभावक जो हैं निश्चित रूप से वो अपना समय देते थे, जबकि अभिभावक समय कम दे पाते हैं। इसलिए समय समस्त अभिभावकों को भी मैं अपनी तरफ से, इस महाविद्यालय की तरफ से मैं साधुवाद देता हूँ। आज काफी लंबा कार्यक्रम इस विद्यालय के बच्चों के द्वारा, जैसा कि प्रमुख जी ने बताया कि स्वयं या कहीं से कलेक्ट किया हुआ लाए। सबसे पहले हम उन शिक्षक और शिक्षिकाओं को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने प्रोत्साहित किया, और हरिंद्रन मिश्र जी तो साधुवाद के पात्र रहे हैं, क्योंकि बगैर इनके प्रमोशन के कोई काम नहीं होता। हमेशा ये चीज मैं कहा करता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रेविटेट्स टू द पर्सन हु कैन शोल्डर देम, जिम्मेदारियाँ उसी के कंधे पे आती हैं जिसका कंधा मजबूत होता है। निश्चित रूप से इनका ये जो प्रयास चल रहा है बहुत अच्छा प्रयास है। आज दो तीन चीजें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो क्लास सेकंड से लेकर के क्लास फिफ्थ तक के बच्चे हैं, निश्चित रूप से उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनके जो अप्रेंटिस थे, उनका जो प्रभाव था वो बहुत अच्छा था, बहुत सराहनीय था। मैं छोटे बच्चे जिन्होंने, जिन शिक्षकों ने इनको प्रमोट किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, और बहुत अच्छा प्रयास आप लोगों का रहा। फिजिक्स और मैथ ग्रुप के बच्चे अच्छा किए, लेकिन दो चीजें मैं नहीं देख पाया, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। हमें कहना तो नहीं चाहिए, हमारी मातृभाषा है, लेकिन जहां तक साइंस का सवाल है, बायोलॉजी का सवाल है, पढ़ाया जरूर हिंदी में जाए, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके जो शब्द हैं उनको अंग्रेजी में बताना बहुत आवश्यक है। नहीं तो यही बच्चे जब इंटरमीडिएट पास करके पंडित राम चरित्र मिश्र पीजी कॉलेज में जाएंगे, संतोषी दास में जाएंगे इलाहाबाद, और कहीं भी जाएंगे तो उनको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम अपने बायोलॉजी टीचर से ये अनुरोध करेंगे कि वो टर्म्स को हिंदी में ठीक है बताएं, लेकिन इंग्लिश को प्राथमिकता देते हुए बताएं और सब कुछ हिंदी में पढ़ाएं।